हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग और एसएससी में। तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सभी को जो है सेफली रहना है, ठीक है, घर में रहना है, साथ ही साथ आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और अभी देखो, जैसा कि आप जानते हो कि SBI क्लेरिकल का फॉर्म फिलअप चल रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। तो अगर आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फटाफट आप कर लीजिए, और अगर आप कर लिए हैं तो आई थिंक आपने अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो क्वांट सेक्शन है, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे अगर आप बिगिनर हो, या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया भी है, तो दोनों केस में कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा उसको डिस्कस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग प्री का बात करें तो प्री में आप जानते हो कि 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वांट के आते हैं और 35 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 20 मिनट का टाइम स्लॉट दिया जाएगा। और एक बात देखो, आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि जैसे मान लो जब PO लेवल एग्जाम होता है और जब क्लेरिकल लेवल एग्जाम होता है, तो PO लेवल एग्जाम क्या होता है, वो आपका डिसीजन मेकिंग चेक करने के लिए लिया जाता है। तो वहां पे क्या है कि उसका जो स्ट्रेटेजी होता है वो टोटली अलग होता है, और क्लेरिकल लेवल जो एग्जाम होता है उसका स्ट्रेटेजी टोटली अलग होता है। तो अभी हम लोग SBI क्लर्क के ऊपर जो है फोकस करने वाले हैं। तो SBI क्लर्क में देखो, मैथ्स का कुछ कुछ सेक्शन जो होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फिक्स्ड है कि वहां से कुछ मार्क्स आते ही हैं। जैसा कि अगर आपने हमारा क्लास किया है तो वहां पे मैं डिस्कस करता ही रहता हूं, फिर भी मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे इसमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला होता है, तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो 5 मार्क्स का आता ही है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, दोनों को मिला के मैं चल रहा हूं, मान के चलते हैं 5 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स भी आ सकता है। तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, यहां से 5 मार्क्स हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में 2 टाइप का आता है, एक आता है मिसिंग नंबर सीरीज और एक आता है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इन दोनों में से जो है कोई भी एक 5 मार्क्स का आ जाता है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है मैथ्स का, उससे 5 मार्क्स आता है। तो ये ऑल टुगेदर ये 15 मार्क्स जो होता है, ये जो है आता ही है नॉर्मली, और इस 15 मार्क्स को स्कोर करना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आप देखो, और अगर आप बिगिनर भी हो तो आप चाहो तो इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, देखो ये जो 3 चैप्टर है, अगर आप सही ढंग से प्रिपेयर करो तो, जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आपने 2 दिन दिया तो वो काफी होता है सिंप्लीफिकेशन का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रिपरेशन से ज्यादा ये प्रैक्टिस ज्यादा डिमांड करता है। मतलब आप प्रिपरेशन में जितना टाइम नहीं दोगे, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर नंबर सीरीज का भी बात करें तो नंबर सीरीज भी देखो, अगर आप चाहो तो 2 दिन में जितना भी पैटर्न्स है नंबर्स का, अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो आप उसको सीख सकते हो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको भी आप मैक्सिमम 2 दिन अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो 6 डेज में आप ये 3 चीज पहले प्रिपेयर कर लो, और अगर आपने ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर लिया है तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो प्रिपरेशन से ज्यादा ये तीनों चैप्टर प्रिपरेशन से ज्यादा, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुके आपको कि प्रैक्टिस ज्यादा डिमांड करता है। तो इसको प्रिपरेशन करने के बाद अभी से आपको आपका ये होना चाहिए कि देखो यहां से 15 मार्क्स आने वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट आपको 10 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, 10 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, 10 जो है नंबर सीरीज उठाना है, और 10 दोनों उसमें से लेना है, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों लेना है, और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो है आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप जब बिगिनर हो स्टार्ट कर रहे हो तो मे भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप शुरू में उसको टाइम नहीं देखोगे, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है आपको अपना स्पीड बढ़ाना है इसमें, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सिंप्लीफिकेशन का बात करोगे तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको टेबल्स, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बहुत बार पहले भी वीडियो में बोला हूँ, आपको टेबल्स का जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। टेबल्स आप एक नोट कॉपी बनाओ अभी से, उसमें क्या करो आप 19 तक का टेबल लिख लो और उसको डेली एक बार देखते रहो, देखते देखते भी जो क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है। उसके बाद स्क्वायर्स जो होता है 25 to 30 आप स्क्वायर्स याद रख सकते हो, उसके बाद 15 तक का क्यूब, ये 3 चीज़ तो आपको याद होना ही चाहिए, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हो। अगर ये आप अच्छे से कर लोगे तभी आप देखोगे कि जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है उसमें आप फास्ट कर पाओगे विथ एक्यूरेसी। लेकिन जिसका क्या होता है, बहुत लोग डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ये सब याद नहीं होता है, तो फिर वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। और अभी जो देखो, जो क्लेरिकल लेवल SBI क्लर्क जो होने वाला है वो टोटली जो होगा वो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यू भी नहीं होता है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हो, तो इसलिए आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ये 3 चीज़ देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सिंप्लीफिकेशन के अराउंड 11 वीडियोज़ अवेलेबल है,
आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से उसको देख सकते हो। प्लस अभी से हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए देखो बहुत सारा नेट पे मटेरियल अवेलेबल है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम, आपको वहां से मिल जाएगा। उसी तरीके से नंबर सीरीज का भी जो है आपको जो है प्रैक्टिस करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीन को तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको हाफ एन आवर टाइम देना है, डेली हाफ एन आवर आपको इन तीनों को प्रैक्टिस करके रहना है, क्योंकि यहाँ से सॉलिड मार्क्स आपका आने वाला है। इसके बाद जो आता है वो आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो इससे दो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, मतलब 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उनको लगता है जैसे यहाँ से आप टोटल मिला के कितना हो गया 25 मार्क्स का, मैंने अभी तक आपको बता दिया आउट ऑफ 35। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि केवल यही कर लेने से मेरा काम हो जाएगा, अर्थमेटिक चैप्टर को जो है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर होता ये है कि उनका सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स से रुक जाता है। इसका कारण ये है कि देखो डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से वही कर सकता है जिसका अर्थमेटिक का बेसिक बहुत अच्छा हो। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये 15 मार्क्स जो है जो अभी मैंने बताया ये तो आप कर लोगे, लेकिन जो DI है, DI करने के लिए क्या है कि अर्थमेटिक का बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें भी कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो एवरेज आपको आना चाहिए निकालना, प्लस उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। प्लस आजकल क्या होता है कि प्री में तो नहीं लेकिन मेंस में क्या होता है कभी कभी लॉजिकल DI पूछ देता है, या फिर चैप्टर वाइज जो है जैसे पार्टनरशिप पे DI दे देगा, या फिर बोटेनी स्ट्रीम पे उठा के दे देगा। तो ये सब भी आने का पॉसिबिलिटीज हो गया है। तो अगर आपको देखो अभी आपको जॉब निकालने के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको ये सारे चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप अर्थमेटिक, या फिर अगर आप इंटर मतलब थोड़ा प्रिपरेशन कर भी लियो, तो आपको क्या करना है कि ये अर्थमेटिक के पोर्शन को इग्नोर नहीं करना, अपना बेसिक स्ट्रांग करते जाना है। और ये जो 5 चीज़ें हैं जो मैंने बताया इसके ऊपर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ लेके ही अगर आप चाहोगे तो अभी देखो एग्ज़ाम जो है वो जून के मिड में होने की बात चल रही है, तो अभी आप मान के चलो कुछ लोग बोल रहे डिले होगा, लेकिन आप फिलहाल अगर डिले का सोच लोगे तो प्रिपरेशन ढीला हो जाएगा। तो अभी आपको डिले के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मिड में ही होने वाला है, मतलब अराउंड 45 डेज आपके पास है, इस 45 डेज में ही आपको प्रिपरेशन अपना कंप्लीट करना होगा। तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट 6 डेज आप ये तीनों सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक और सीरीज इसको प्रिपेयर कर लो, और अगर आपका प्रिपेयर्ड है तो हाफ एन आवर देके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो है कुछ कुछ चैप्टर्स अर्थमेटिक का, जैसे मैंने बोला कि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। उसके अलावा SI CI हो गया, और SBI का जो 2 चैप्टर बहुत ही फेवरेट होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये दोनों फेवरेट है। अगर आप इसको नहीं सॉल्व करोगे तो शायद SBI आपको इग्नोर कर दे, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। और धीरे धीरे जैसे मैंने बोला ना, आपको अर्थमेटिक को इग्नोर नहीं करना है, उसका बेसिक क्लियर करते रहना है, क्योंकि जब वो बेसिक क्लियर होगा ना तभी आप एक्यूरेसी के साथ आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और जो लोग अर्थमेटिक को इग्नोर कर देते हैं होता ही है कि अल्टीमेटली DI में भी उनका जो है वो बना लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपको ये सारा चीज़ जो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं आपको नहीं करना है, अर्थमेटिक को भी इग्नोर नहीं करना है। और अभी हमारे YouTube चैनल पे हम लोग सारा ये सब डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग फॉलो करते रहिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो स्पेशली जो आपका वीकर सेक्शन है जिसपे वीडियो बनाना चाहिए हम लोगों, तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी अभी 45 या 50 डेज SBI का है उसमें जम के मेहनत करना है हम लोग को, हम भी लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग देखो जो बिगनर है वो अभी प्री पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनको अभी प्रिपरेशन करना है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं 1 साल से मान लो या 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्री के साथ मेंस को लेके भी आगे बढ़े। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग प्री के बाद उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो अगर आप केवल प्री को लेके चलोगे तो क्या होगा कि मेंस क्लियर नहीं हो पाते। बहुत लोग बोलते हैं प्री हो जा रहा है मेंस नहीं हो रहा है, इसका कारण यही है कि वो लोग प्री पे फोकस करते हैं प्री एग्जाम तक, उसके बाद मेंस के ऊपर आते हैं, तो उसके बाद उतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो आपको अभी से एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, ठीक है। और तो ये बेसिक एक स्ट्रैटेजी था, डेली बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ मैथ्स में कैसे पढ़ना है आपको, वो सारा मैं आपसे के साथ डिस्कस करता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी इस पेंडेमिक के सिचुएशन में आपको सेफ रहना है, मेंटली जो है वो स्ट्रांग रहना है,
ताकि आप अपना प्रिपरेशन नेगेटिविटी से दूर रख के अपना प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू वेरी मच।